तो दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं तरुंगल की कई वीडियोस के बारे में। आप पहले इस वीडियो को देखिए, इसके बाद में हम इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही हम बता देते हैं कि हम तरुंगल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को देखकर किसी को भी हर्ट होता है या बुरा लगता है तो पहले से ही हम सॉरी बोल रहे हैं। सिगरेट प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ महीने पहले जब मैं इंटरव्यू करता था ना, तो मैंने नोट करा कि 20-30% बॉडी बिल्डर्स स्मोक करते हैं। मतलब पूछा मैंने, क्यों स्मोक करते हो? सर स्ट्रेस होता है, ये होता है, भाई स्मोकर एक्सक्यूजेस। फिर मैंने डोरियन येट्स के बारे में पढ़ा, जो ओलंपियन रह चुके हैं, इतनी बार मिस्टर ओलंपियन रह चुके हैं, कि यार क्या स्मोकिंग एक्चुअल में बॉडी बिल्डर्स के लिए अच्छी है, ये स्ट्रेस कम करता है? मुझे क्या पता लगा डोरियन येट्स, मैं इंटरव्यू डाल दूंगा यूट्यूब पे। इंडियंस करते हैं स्मोक और गोरे करते हैं स्मोक अप, दे स्मोक अप वीड जॉइंट, बिकॉज एज पर डोरियन येट्स ये हेल्प करता है रिलैक्सेशन में, ये हेल्प करता है आपके मसल स्पैजम्स को रिलीज करने में। अब आप सोचो यार, इतनी बारी मिस्टर ओलंपिया रहने के बाद डोरियन येट्स वीट के बारे में, कैनबिस जो एक प्लांट है उसके बारे में सब बातें कर रहे हैं, नॉलेज है तभी तो कर रहे हैं। वीट प्रमोट नहीं कर रहा, सिगरेट प्रमोट नहीं कर रहा, सिर्फ बता रहा हूँ हम में और उनमें क्या फ़र्क है। उन्होंने ये भी बात बोली कि मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर ज़्यादातर लोग जो चढ़ते हैं उन्हें कभी ना कभी वीट ज़रूर ली होती है, तो इसलिए कहते हैं नॉलेज इज़ पावर। तो दोस्तों आप इस वीडियो में देख ही सकते हैं कि तरुंगल बार बार बोल रहे हैं कि मैं सिगरेट को प्रमोट नहीं कर रहा। तो दोस्तों आप तरुंगल की एक बात पर गौर करिए, तरुंगल इस वीडियो में सिगरेट के फायदे बता रहे हैं कि सिगरेट हेल्प करता है आप हमारी बॉडी को रिलैक्स करने में। तरुंगल सिगरेट के फायदे ऐसे बता रहे हैं जैसे कोई प्रोटीन या कोई अच्छी डाइट या सप्लीमेंट हो। और इन्होंने आगे इस वीडियो में बोला है कि सिगरेट तो मिस्टर ओलंपिया रहने वाले बॉडी बिल्डर्स भी पीते हैं। तो आप एक बात का अंदाज़ा लगाइए कि तरुंगल की ऑडियंस कितनी उम्र की है, 18-19 वर्ष की, जो इनकी वीडियो देखती है। तरुंगल 18-19 वर्ष के लड़कों को मिस्टर ओलंपिया वाले बॉडी बिल्डर से कंपेयर कर रहे हैं। चलो ये बात भी ठीक है कि सिगरेट मिस्टर ओलंपिया रहने वाले बॉडी बिल्डर्स पीते हैं, तो इन्होंने सिगरेट के फायदे पहले क्यों नहीं बताए? क्या इन्होंने पहली बार मिस्टर ओलंपियंस की वीडियो देखी है? तरुंगल भाई ने तो सिगरेट के फायदे से पहले मिठाई के फायदे, मैगी के फायदे और दारू के फायदे भी बताए हैं। अगर तरुंगल की इन बातों को किसी ने फॉलो कर लिया तो वो बॉडी बिल्डर बनने से पहले तौंदी बिल्डर जरूर बन जाएगा। आप लोग सोचो, जो लोग तरुंगल को शुरू से ही फॉलो कर रहे हैं वो इनका वीडियो पहली बार देखेंगे तो वो तो यही सोचेंगे कि सिगरेट से बॉडी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जब मिस्टर ओलंपिया रहने वाले बॉडी बिल्डर्स और हमारे तरुण सर ही सिगरेट पी रहे हैं तो हम क्या हैं, हम तो पी ही सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर जंक फूडों से ही बॉडी बनती तो आज दुनिया का हर आदमी ही बॉडी बिल्डर होता। इसलिए आप अपनी हेल्दी डाइट फॉलो करें और अपना टाइम से वर्कआउट करें। आप जंक फूड खाकर अपनी बॉडी का वेट बढ़ा सकते हैं परंतु आप अपनी बॉडी में अपनी मसल्स का साइज नहीं बढ़ा सकते। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।